हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहला गौर। आज एक नई दिन की शुरुआत एक नई व्लॉग के साथ करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और मेरे पीछे से कितने अच्छे से बादल लग रहे हैं। तो उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से मैं मनीषा भंडारी रायगढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मनी व्लॉग से। और मेरे पीछे से दिख रही हिमालय की खूबसूरत सी चोटियाँ। तो मैं आज का व्लॉग कर रही हूँ 10 बजे से स्टार्ट। और अभी आई हूँ मैं छत में घूमने, खाने के बाद हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। आजकल हमारे घर से बहुत ज़्यादा सुंदर हिमालय दिख रहे हैं। अगर आपको हमारे घर आना है तो आप बेझिझक आ सकते हैं और इन पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। आज हम बनाएंगे भटकी चुटकानी। और पहाड़ों में भटकी चुटकानी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी। तो ये हैं भट। सबसे पहले तो हमें भट में से जो गंदगी है ये निकालेंगे। इस टाइप की गंदगी, ये देखिए, मतलब जो आधे कटे हैं ख़राब भट जो है इसमें से हम सोयाबीन निकालेंगे। उसके बाद जैसे आधे खाया है ना इस टाइप का, तो इसको हटाएंगे। तो ख़राब भट को हम अलग करेंगे सबसे पहले और उसके बाद दाल बनाने की प्रोसेस करेंगे। ये है सिलबट्टा हमारा छोटा वाला, इसको हम ये ऊपर वाले किचन में रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा लहसुन है और 2 मिर्चें हैं, इसको पीसते हैं इसमें। और सिलबट्टे से ऐसे पीसने में अच्छा टेस्ट आता है, और लहसुन का और मिर्च का, इसको इसमें ऐसे पीस लेंगे। भट की चुटकानी में डालेंगे। तो हमने इसमें एक लहसुन डाला था, एक लहसुन की गांठ, और क्या किया था, 2 हरी मिर्ची डाली है। तो इसको रख देते हैं कटोरी में। तो हम इतना तेल डालेंगे पहले। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, जीरे को थोड़ा सा भूनने देंगे। प्याज, और प्याज के साथ ही हम क्या डाल देंगे अब, लहसुन जो हमने सिलबट्टे में पीसा था, लहसुन और मिर्च। और ये एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसमें टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे अब भट। तो ये भुन जाएंगे ना इसके साथ। वैसे सबकी रेसिपी इसकी अलग अलग होती है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर हम भट को पहले ही अगर भून लेते हैं तो वो ज़्यादा सख्त टाइप के हो जाते हैं। वैसे इसको सबसे पहले तेल में, मतलब प्याज डालने से पहले भून के अलग रख लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसे क्या होता है कि भट जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्याज के साथ ये भुने जाते हैं यहाँ पे, तो अच्छे से पक जाते हैं ऐसे। तो इसको थोड़ा भूनेंगे। और ये भट के दाने कब हो गए हैं, कब अच्छे से भुनने लग गए हैं, पकने लग गए हैं, कब पता चलता है, जब इससे थोड़ी आवाज़ आने लगती है, चटकने लगते हैं भट, तो इसका मतलब है कि ये भुनने लग रहे हैं। तो देखिए ये हल्के हल्के से अब भुनने लगे हैं, चटकने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब इस स्टेज में डालेंगे इसमें जीरा और धनिया, और साथ में थोड़ी सी हल्दी। अभी भुन गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे आटा। आटा चाहे तो आप चावल का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं, और या बेसन ले सकते हैं, लेकिन इसमें बेसन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट चावल या गेहूं के आटे से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम आटे को भुनेंगे इसके साथ। तो आटा भुनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। इसको उबलने देंगे थोड़ी देर। काली भटकी, भूरी भटकी, सफेद वाले,
काले बट है जो नहीं। चावल भी रख दिया और दाल भी धीमी आँच में रखी है, और लेकिन एक मेरे साथ ऐसी ट्रेजडी हो गई और मैंने दाल तो बनाई लेकिन दाल में नमक डालना ही भूल गई मैं, तो मैंने दाल में नमक भी डाल दिया है, इसको रख दिया है। अब लेके जाती हूँ अपने गार्डन से धनिया लेने जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे लगा है हमारा छोटा सा धनिया, इसको तोड़ते हैं। तो ये धनिया तोड़ दिया है मैंने इतना। तो देखिए मेरी दाल बन चुकी है, चावल भी मेरा बन चुका है, और दाल कितनी अच्छी लग रही है, और जितनी अच्छी लग रही है शायद खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो कभी आप भी ट्राई करिए ये रेसिपी। हेलो कैसा हो रहा है, मज़ा आ रहा है मैच भी साथ साथ में? पति देव को मेरे हाथ की भटकी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी पसंद करते हैं और मैं भी पसंद करती हूँ। ये है मेरा खाना और इसको लेके मैं बाहर पे धूप पे बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अरे घाम ही नहीं आ रखा है, मैं तो सोच रही थी धूप आई है। तो ये है आज का खाना हमारा, भटकी चुटकानी और भात। यहीं पे खाती हूँ, मुझे लगा था धूप आई यहाँ पे, तो धूप तो आई नहीं है। सभी बज चुके हैं शाम के, 4 बज चुके हैं, और चाय भी बनाती हूँ और मुझे भूख भी लगी है, तो मैं मैगी बनाती हूँ आज। मैं थोड़ी सूपी नूडल्स बनाती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस चाय मेरी उबल रही है और मैगी मैंने बना ली है थोड़ी। आज मैंने सूपी नूडल्स बना रखे हैं, इसमें डाल रखा है मैंने एक नौर का सूप और साथ में है मैगी। आओ 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 चाय और मैगी खाने के लिए। ये है मेरी सासू माँ के लिए चाय और मैगी। अब मैं भी लेके आती हूँ अपने लिए मैगी और चाय। तो ये है मेरी चाय, मैगी और गुड़। चलते हैं अब बाहर। ये है चाय और गुड़ वाली चाय है और मैगी है। तो गाइज अब टेस्ट करते हैं मैगी को, देखते हैं कैसी हो रही है। सूपी नूडल्स हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, किसी को खाना है तो आ सकते हो हमारे घर पे, आप खाओ। कैसा हो रहा है बताना मेरे को। आज मैंने इसमें वो डाल रखा है सूप, ये सूप का पैकेट था ना एक नौर का, वो डाला, नहीं तो एक ही मैगी थी ना कम हो जाती है, थोड़ा अलग टेस्ट लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा थोड़ा सा अलग, क्योंकि आज टमाटर प्याज वाली नहीं बनाई ना, सीधे पानी में बनाई। चाय के सुड़ुक सुड़ुक भी तो करो कट की चाय। ये देखिए गाइस कितनी मस्त सी आग जली है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने नीचे वाले किचन में और आग जली है यहाँ पे, और बाहर बहुत ठंडा है, और मुझे बनाना है अभी डिनर बनाना है। आज हम बना रहे चने, तो चने बनाते हैं। और मेरी देवरानी तो घर पे नहीं है, रंजना वो गई है अपने स्कूल के टूर पे, तो खाना बनाते हैं, शायद वो अब पहुँचेगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे सेकते हैं अब आग और साथ में बनाते हैं चने बनाते हैं। और आजकल मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं कभी कभार व्लॉग बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।